सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल डॉक्टर पूर्वा साहू। तो अभी स्टूडेंट्स नोटिफिकेशन आ चुका है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का, 29 जून 2020 को ये आ गया था। ये बेसिकली है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द जेआरएफ 2020 एग्जाम। ये जेआरएफ एग्जाम स्टूडेंट्स होना था 12 जुलाई 2020 यानी संडे को, बट अब इसे पोस्टपोन कर दिया गया है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, क्योंकि 31 जुलाई 2020 तक काफी स्टेट में जो लॉकडाउन पीरियड है वो बढ़ा दिया गया है, और उसकी वजह से ये जो एग्जाम था ये बेसिकली होना था 40 सेंटर्स इन द 27 सिटीज अक्रॉस द इंडिया। तो वहां पे सब जगह पे ये एग्जाम जो है वो कैंसिल हो चुका है जो 12 जुलाई को होना था। अब ये फर्दर कब होगा इसके बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं आई है, बट ये इंफॉर्मेशन हम लोगों के लिए क्यों जरूरी है कि कहीं ना कहीं अब हम लोगों को आइडिया लग जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए कि 26 जुलाई का जो नीट का एग्जाम है वो नहीं होगा, वो फर्दर 31 जुलाई के बाद ही होगा। ठीक है, तो ये एक इंफॉर्मेशन थी मेरे पास में जो मैंने आप सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करनी चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि क्या अब हम लोगों को इस टाइम पीरियड को किस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए, तो वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। उससे पहले मैं दो चीजें और आपको बता देती हूँ रिजल्ट से रिलेटेड, कि रिजल्ट का भी जो सीबीएसई जो 10th के 12th के जो एग्जाम से रिलेटेड जो रिजल्ट डिक्लेरेशन की डेट भी आ चुकी है, दैट वुड बी डिक्लेयर्ड बाय द जुलाई 15, 2020। और ये जो मेरा सोर्स है बेसिकली मैं बता देती हूँ आपको कि जहां से मैंने ये इन्फॉर्मेशन ली है। वैसे तो काफी जगह ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, बट मैं भी आपको शो कर रही हूँ timesnownews.com से। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है कि रिजल्ट अनाउंसमेंट हो जाएगा बाय जुलाई 15, 2020। इसके लिए सीबीएसई ने असेसमेंट स्कीम भी बनाई थी। असेसमेंट स्कीम काफी स्टूडेंट्स को तो पता होगी, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ क्या असेसमेंट स्कीम है। जिन स्टूडेंट्स के सारे एग्जाम हो चुके हैं उन लोगों के लिए तो कोई पर्टिकुलर असेसमेंट स्कीम है नहीं, क्योंकि उन लोगों का तो रिजल्ट जो भी उन्होंने एग्जाम दिए हैं उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे ही आएगा। बट कुछ स्टूडेंट जिनके कुछ पेपर्स रह गए, जैसे अगर किसी ने मोर देन 3 सब्जेक्ट्स का एग्जाम दिया है, तो देन एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स will be awarded in the subjects whose examination they have not been conducted. तो जिस सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं हुआ है उसके मार्क्स बेसिकली 3 बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट के मार्क्स का एवरेज लेके दिए जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट्स दिए हैं, 3 सब्जेक्ट्स के एग्जाम दिए हैं, उनमें जो एवरेज लिया जाएगा वो बेस्ट 2 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स का एवरेज लिया जाएगा, उनके मार्क्स का एवरेज लिया जाएगा, एंड दैट वुड बी अवॉर्डेड इन द सब्जेक्ट्स whose examinations have not been conducted. Okay, now the next thing is there are very few students of class 12 mainly from the Delhi who have appeared in the examination in only 1 or 2 subjects. So unka jo result aayega students unka jo result aayega wo basically unke performance in the appeared subject ke base pe aur practical internal exam aur project assessment ke marks ke base pe aayega. वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। मैं बात करूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताऊँगी कि किस तरह से आप इस टाइम का यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी बनाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।